तो एक मॉड्यूल कीमत तुम कटाना समर मतलब बाबू, तो गाइस देखिए काफी कॉस्ट ले आता है, 100 रुपए का, 150 रुपए का, सपोज कीजिए गाइस ये 100 रुपए का आपको ऑनलाइन मिल रहा है अमेज़न पर, देखिए भाई 40-50 रुपए डिलीवरी चार्ज लग जाता है, गाइस इतने पैसे नहीं भाई मेरे पास, गाइस मैं 4 रुपए से 50 पैसे में ये 1 रुपए मेरा काम हो जाए। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं 18650 लैपटॉप बेल्ट का चार्जर बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो भी सिर्फ 10 रुपए में, 10 रुपए आपके नहीं लेंगे वो फ्रेंड्स, आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, आप फ्रेंड्स चाहो तो 1, 2 या 5 रुपए में बना सकते हो, और गाइस कोई चीज 5-10 रुपए की बन जाए तो भाई 100-150 रुपए क्यों खर्च करना। तो चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर, बहुत मजा आएगा आज तो, हल्ले गाड़ देंगे, समर एक्सपेरिमेंट चलेगा, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए आइए। अरे बस भाई बस, अंदर ही घुस जाओगे, पहले मैं तो घुस जाऊँ, देखिए तो भाई ये है हमारा अरे कहना क्या चाहते हो, ये है हमारा स्टोर, यहाँ से हम काफी सारा सामान निकालते हैं, लकड़ी सकड़ी होगी। तो भाई देखिए ये है पीवीसी का पाइप, और फ्रेंड्स एक बात और देखिए ये हैवी वाला, हैवी ड्राइवर लिखना भूल गए वो, वह हम लिख देंगे कोई बात ना, हैवी लिखा ना, तो भाई से काफी मजबूत पाइप है, देखिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिलो में मार दिया था, तो भाई दरवाजे जो ना थोड़ा स्पेशल टाइप का चलेगा, तो फटाफट स्टूडियो में चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको एक बैटरी चार्ज करनी है या दो बैटरी चार्ज करनी है। मैंने काफी पैसे बचाने वाली बात कही ना, तो गाइस इसलिए मैं सिर्फ एक बनाऊंगा, आप उसके जैसा कितने सारे बना सकते हो। चलेगा गाइस फटाफट भाई कट करते हैं। तो गाइस ये रही लैपटॉप की बैटरी 18650 या 18650, अभी मैं इनमें से कोई भी ले रहा हूँ, सिर्फ शेप के यानी कि साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा। तो भाई मैंने रख रहा हूँ थोड़ा सा साइड में, और भाई देखिए यहाँ पर इसे कितना कट करना है उसके हिसाब से हम कट करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि फ्रेंड मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड करने वाला हूँ, वैसे बहुत सारे करने वाला था लेकिन सोचा गाइस वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो सीधा शॉर्टकट पाते हैं। तो भाई देखते हैं कितना खा है सेल ने, देखिए अप्रोक्स मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर, वैसे कम है लेकिन मान के चलते हैं। तो भाई यहाँ से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का, ये दोनों बेटा 2 सेंटीमीटर, बस भाई इस पार्ट को काट दो। तो भाई कट तो सही हो गया है आई थिंक, और भाई अब ये लगा देखते हैं, हाँ बहुत ही उम्दा, और इसकी मजबूती भी कम नहीं है देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने हैवी पाइप लिया था। अब गाइस यहाँ मैंने 4 टिकले कट कर लिए, लेकिन 2 एक सी हैं और 2 एक टाइप के, देखिए 2 इसके अंदर जा सकती हैं, देखिए इस तरीके से इसके अंदर फिक्स होएंगी, और भाई 2 इसके बाहर के लिए हैं। अब गाइस इस बैटरी को रोकने का यानी कि जैसे चार्ज होगी तो गाइस रोकने का जुगाड़ देखते हैं, यहाँ पे गाइस बिल्कुल टाइट नहीं चाहिए, लूज नहीं चाहिए, बहुत अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए हमारा जुगाड़। तो भाई बिल्कुल नया जुगाड़ करने वाले हैं, यहाँ मैंने एक बोल्ट ले लिया है, और देखिए आपको इसके बीच में नहीं लगाने बोल्ट, अगर मैं देखिए इस तरह के नीचे रखता हूँ देखिए कितना गैप आ रहा है, फ्रेंड जो हमारी बैटरी है उसका साइज थोड़ा छोटा है, तो भाई मान के चलते हैं इसे अंदाजा यहाँ ले लेंगे, और भाई इस बोल्ट को आसानी से इसमें फिक्स कर देंगे। तो भाई ये तो हो गया इसका प्लस, अब आते हैं इसके नेगेटिव पर, यहाँ पर सारा जुगाड़ हमें करना है, ये तो कंप्लीट हो गया ठीक है, पॉजिटिव रखते हैं साइड में, इस पर करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर लेते हैं कुछ स्प्रिंग, ये थोड़ी हार्ड है, ये थोड़ी मोटी है, ये भी ज्यादा हार्ड है, तो देखते हैं गाइस इसमें से अगर हमारा काम हो जाए, ये लाइट टच स्प्रिंग है तो इसे देखते हैं, इससे अगर हमारा काम हो जाए निकाल कर, हाँ लगता तो है कि भाई काम हमारा हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है तो मैं इसे कट कर लूंगा। यहाँ पर लेंगे बोल्ट, भाई लगाएंगे इसमें एक वॉशर, और देखिए इसे इसके अंदर लगाएंगे, क्या वो तो प्रैक्टिकल हम देख लेंगे बाद में, ये जुगाड़ काफी अच्छा काम करना चाहिए, आप इसे कितना टाइट भी कर सकते हो लूज भी कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे लगाएंगे टिन वायर या कोई भी आप वायर की कोटिंग हटा सकते हो, और ये मैं क्यों लगा रहा हूँ ये आपको अभी पता लग जाएगी, पहले मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ हटा करके, जो भाई ये निकले ना, यार खा पे कुछ नहीं, और भाई गिलास थोड़ा बारने का, भैया ऐसे ड्रिल मशीन से कर सकता था, लेकिन गाइस ये अभी भी कामयाब है, देखिए भाई इसकी तो जरूरत है, यही बच रही है। तो भाई ये है इसका नेगेटिव, ये वायर मैं पीछे से लेके जाऊंगा जिससे गाइस इसके अंदर कोई वायर ना अड़े और ये बिल्कुल क्लीन रहे। तो गाइस बैटरी भाई फटाफट लगा देखते हैं, एग्जांपल देखिए क्या मस्त फिट है, ये देख सकते हो गाइस बिल्कुल टाइट, देखिए निकलेगी नहीं, ओपन में इसके मारूंगा, हाँ देखिए थोड़ी सी लगी तो हाथ में लेकिन काम हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे फिटिंग काफी अच्छी आई है। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं 2 LED, एक ग्रीन और एक रेड ले रहा हूँ, गाइस इन दोनों LED का अलग अलग वर्क होगा, और भाई 2 ले रहा हूँ 1 KK quad-watt में रेजिस्टेंस, जो कि अलग अलग LED में यूज होगा, तो गाइस आपस में इनमें लड़ाई ना हो तो भाई मैं यहाँ पे हीटिंग लगा दूंगा इससे कवर हो जाए, बिल्कुल टाइट आ रहा है, और भाई साहब इसे इस तरीके से मोड़ो जिससे कि ये जगह कम ले, और भाई साहब इसे यहाँ पर लगाओ, हाँ निकल गया कुछ ज्यादा ही,
तो भाई वायर में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये जो लाल वाला है ये लाल की है, ये ग्रीन वाला है ये ग्रीन की है, और गाइस ये देखिए ये जो लाल वाला है ये सीधा बैटरी के है। अब आते हैं गाइस ये बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो फ्रेंड्स हमेशा मोबाइल चार्ज ऐसे चार्ज करेंगे, लेकिन गाइस दिक्कत है कि जो मोबाइल चार्ज होता है उसमें 5 वोल्ट आउटपुट आते हैं और जो हमारी बैटरी होती है 4.2 वोल्ट तक फुल चार्ज हो जाती है। तो गाइस यानी कि 5 वोल्ट के 4.2 वोल्ट लास्ट करने पड़ेंगे बिना किसी मॉड्यूल के। जैसे गाइस ये एक मोबाइल चार्जर है और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो पहले मैं लगाता हूँ बिजली में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा का पूरा मैंने बिजली में लगा दिया है और ऐसा चेक नहीं हो पाएगा। तो भाई इसके लिए इलेक्ट्रिक सॉकेट लेना पड़ेगा। हाँ इसमें लग गया है और देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। देखा इस 5.20 ये वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, हमें इसका लास्ट करना है 4.2 वोल्टेज बिना मॉड्यूल के या BMS के। तो भाई इसके लिए मैं यूज करने वाले हैं डायोड IN4007। तो भाई मैं कुछ निकाल लेता हूँ यहाँ से। और गाइस ये 1 रुपए के 4 मिलते हैं और कहीं कहीं पे 1 रुपए के 2 भी मिलते हैं, 3 मिलते हैं, अलग अलग इनकी प्राइस होती है जगह देखकर, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ निकाल लेता हूँ, देखते हैं कितने लगेंगे। सिंपल सी बात, देखिए जो निशान देख सकते हो सिल्वर कलर का, ये इसका नेगेटिव है और ये पार्ट इसका पॉजिटिव है, ठीक है। तो गाइस मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करने वाला हूं। तो गाइस मैंने 6 डायोड लगाए अभी आपको दिखाने के लिए कैसे वोल्टेज डाउन होते हैं, ठीक है। तो भाई ये रहा मल्टीमीटर, पहले आपको इसके डायरेक्ट दिखाऊंगा जिससे फ्रेंड कोई भी फेक ना लगे, कोई भी चीज गलत ना लगे, जिससे गाइस आप घर पे करो आराम से उसका यूज कर सको। देखिए 5.20 वोल्टेज इसके आउटपुट है, ठीक है। देखिए मैं ये इसका पॉजिटिव है तो मैं इस पर लगा रखता हूँ। देखिए 4.84 हो गए, ठीक है। अब देखिए हाँ लगाता हूँ चिमटी पे क्योंकि इस पर कनेक्ट है। देखिए 4.12 ये है बेस्ट गाइस जो हमें चाहिए वोल्टेज। 4.12 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे आप डायोड की संख्या बढ़ाते रहोगे तो फिर ऐसे वोल्टेज लो होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3.12 हो गए और लगा तो और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे लेंगे ओनली 3 क्योंकि फ्रेंड्स हमारा 3 में काम हो जाएगा। तो गाइस ये रही हमारा ये डायोड और भाई ये रहा इसका पॉजिटिव आर और ये इसका नेगेटिव आर, ठीक है। सीधा भाई लगाते हैं इसमें जो सिल्वर की लाइन है ना इस पर आपको लगाना है। गाइस कनेक्शन बहुत ही देखिए अभी मैंने LED कनेक्शन कर दिए हैं, ये आप जानते हो रेड, और देखिए ये वाला जो टिन वायर है ये इस बैटरी के, ठीक है। अब देखिए व्हाइट और ग्रीन ये इस LED के वायर है। तो गाइस जो ग्रीन है ये लगाते सीधा नेगेटिव पर, देखिए जो कि नेगेटिव है, ठीक है। और भाई जो व्हाइट वाला देखिए ये लगाते मेरे सीधा पॉजिटिव। अगर आप इसे बैटरी लगाओ, देखिए ये इसका नेगेटिव बैटरी का इसका पॉजिटिव, देखिए LED चल गई। यानी फ्रेंड्स ये LED डायरेक्ट इससे है, ठीक है, डायरेक्ट इससे चल जाएगी। और इसको हम कैसे लाएंगे इसका अलग काम होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले मैं बैटरी निकाल लेता हूं। तो गाइस ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, चलेगा फटाफट से हैंडसम बनाते हैं। लीजिए गाइस बन गया लोंडा हैंडसम। अच्छा 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 आपका कनेक्शन समझ में नहीं आए गाइस, मैंने इस पर कलर कर दिया है। चलेगा फटाफट कनेक्शन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो गाइस ये रहा बोर्ड, आपको शायद पता होगी, लिख लेते हैं कभी भी कर लेते हैं। देखिए गाइस बहुत सिंपल वे, देखिए ये है पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये बैटरी होगी इसके अंदर, ठीक है। अब गाइस देखिए ये उसके 2 वायर, ये एक LED होगी जो कि ग्रीन कलर की LED है और भाई ये एक LED होगी जो कि रेड कलर की LED है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 2 वायर इसके पॉजिटिव मान लेते हैं, इसका नेगेटिव मान लेते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसका जो नेगेटिव है इस LED का इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो सीधा इससे कनेक्ट है, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं इस बैटरी पर, यहाँ लगा देगा हमने डायोड। देखिए ये सिल्वर की लाइन है इस तरीके से, ठीक है, ये निकलेगा इसका, ठीक है। ये लग गया सीधा चार्जर के सॉकेट में, जो मोबाइल का चार्जर का सॉकेट था उसमें सीधा कनेक्ट हो गए पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए। अब भाई सपोज कि इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है रेड कलर के LED का, बहुत सिंपल है आपको बता रहा हूँ। देखिए जो इसका नेगेटिव आ रहा है सीधा वो तो नेगेटिव में कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, यानी LED के दोनों वायर सीधा चार्जर वाले पिन में कनेक्ट हो गए और ग्रीन LED के सीधा बैटरी वाले में कनेक्ट हो गए। मैंने 1K का रेजिस्टेंस लगाया है, ये 1K का रेजिस्टेंस है क्वार्ट वाट में इन दोनों में, जिससे गाइस ये फ्यूज ना हो। जब यहाँ पे चार्जर कनेक्ट होगा तभी ये LED ग्लो होगी रेड की, तो आपको पता लग जाएगी यहाँ भी ये, मतलब कि इसमें पावर आ रही है, ठीक है। और ग्रीन LED तब होगी जब गाइस बैटरी लग जाएगी, तो इसकी पावर सीधा ग्रीन में चली जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो, ऐसा समझ में नहीं आएगा, वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, जहाँ से आपको समझ आया, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो इजीली। आप देखते हैं गाइस ये सर्किट हमारा काम कैसे करेगा। देखिए इसके बैटरी मैक्सिमम वोल्टेज है 4.2 जो कि फुल चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो गाइस हमने 1.12 या 1.3 थे, तो अप्रोक्सीमेट से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सपोज करो आपने पूरी रात इसमें बैटरी लगाकर छोड़ दिया, तो गाइस इससे ज्यादा चार्ज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स ये बैटरी आपकी ओवर चार्ज नहीं होगी, तो आपकी बैटरी सेफ रहेगी, खराब नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके काफी सारे पैसे बच जाएंगे और आपका काम भी 100% हो जाएगा। और मॉड्यूल भी यही काम करता है, जैसे 4.2 वोल्टेज पहुंचे ये सप्लाई कट कर देता, पावर कट कर देता, बैटरी ओवर चार्ज नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट चार्ज
देते, यानी कि 5 वोल्ट बैटरी को तो गाइस ये ओवरचार्ज हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। तो गाइस ये वाला सर्किट बनाओ, मोड को जाओ भूल। तो गाइस अब इसकी लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं ये काम कैसा कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये रही बैटरी 18650 लैपटॉप की, ये रहा आपके सामने मल्टीमीटर। तो पहले आपको इस बैटरी के वोल्टेज दिखाता हूं, ये बैटरी डाउन है बिल्कुल नहीं है, देखिए अभी इस पर कोई भी सोल्डिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो ये मैंने निकाली थी, देखिए 3.50 देखिए, एंड फ्रेंड्स ये बैटरी डाउन है, ठीक है। तो 3.5 वोल्टेज इसके अंदर अभी आ रहे हैं, ठीक है। और भाई ये रहा इसका नेगेटिव और ये रहा इसका पॉजिटिव, देखिए लग गया है, ठीक है, ग्रीन एलईडी ग्लो हो गई है। अब भाई मैं इसे इसमें लगा देता हूँ चार्जर को और हम इसे छोड़ देंगे, देखिए रेड जल गई है फ्रेंड, इसमें पावर आ गई है और हम इसे 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई मैं कट नहीं मारूंगा कि मैं थोड़ा देर उठ जाता हूँ और चलने देते हैं। तो गाइस इसे लगभग 3 मिनट हो गई हैं, तो भाई देख लेते हैं। अरे मैंने मल्टीमीटर खा लिया, अरे भाई मल्टीमीटर दे रहा भाई साहब उठा के, क्योंकि भाई हम कट नहीं मानना चाहते अपनी वीडियो में, जैसा है वैसा है, धन्यवाद। तो इसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कितनी बैटरी चार्ज होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई अभी। बैटरी गाइस चार्ज हुई, देखिए शायद देख रहा हो, देखिए ये पॉजिटिव है, देखिए 3.55 वोल्टेज, 3.50 वोल्टेज थे, तो 3 मिनट के अंदर देगा इसे 3.56 वोल्टेज में आ गए, यानी गाइस हमारी बैटरी रिचार्ज हो रही है। गाइस यकीन मानिए मैंने कोई कट नहीं मारा, आपके सामने है, तो इसने 3-4 मिनट में अच्छी बैटरी रिचार्ज कर दी है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये क्यूट सा चार्जर आपको अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं भैया।